गायत्री, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पर DIYs और होम डेकोर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। लेकिन आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं अमेजोन हॉल। तो बहुत सारा स्टफ मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के रिलेटेड नहीं है, इसमें बहुत सारा स्टफ है जो कि किचन रिलेटेड होगा या क्राफ्ट एंड आर्ट रिलेटेड होगा, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें होगी तो वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। एंड अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज़ वीडियो। सो वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ दिस ब्यूटीफुल हैंगर। तो ये आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको बेसिकली मैंने किचन पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। सॉरी अगर आपको कंस्ट्रक्शन नॉइज आ रहा है, तो मेरे बिल्डिंग के सामने ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, सो बेयर विद मी। तो इसको मैं यूज़ करूँगी किचन में। इसको आपको सिंपली वॉल के ऊपर लगाना है। इसको पीछे हुक्स दिए हैं, आपको जिस भी डायमेंशन से इसको चाहिए उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं या इसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसे बहुत ज़्यादा सारी जगह पर यूज़ कर, और इतना ये अच्छा दिखता है कि इसे एज अ होम डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ किचन रिलेटेड, प्रॉपर किचन रिलेटेड। तो ये है एक फोल्डेबल ट्रे। तो बेसिकली हम यूटेंसिल्स होने के बाद स्टील का जो रैक रहता है या प्लास्टिक का जो कंटेनर रहता है उसमें हम डाल देते हैं। लेकिन मैंने ये स्पेसिफिकली यूज़ किया है क्योंकि मेरा किचन काउंटर टॉप है बहुत ही छोटा है, तो वो पूरा स्पेस ना ऑक्यूपाई हो जाता है जो जब हम वो रैक रख देते हैं यूटेंसिल्स का, तो उसमें बहुत सारा झंझट हो जाता है। और मुझे कॉम्पैक्ट चाहिए था। और एक चीज़ कि अगर हम ग्लास वेज यूज़ करते हैं तो वो हम उसी बर्तन में नहीं रख सकते क्योंकि वो क्रैक हो जाएगा नहीं। तो जो भी कांच के जो बर्तन है या ग्लास है या कुछ भी बाउल्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैंने ये यूज़ किया है। बहुत ही हैंडी है और ये फोल्डेबल है। तो इसे आप इस तरह से, अगर आप देख सकें तो इतना ये छोटा है, इस तरह से वो आता है इस तरह की पैकेजिंग में। अगर आप इसे एक साइड से इस तरह से और इस साइड से इस तरह से ओपन करेंगे तो ये पॉपअप हो जाएगा इस तरह से, और इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आप प्लेट्स भी, अगर डिनर वेयर आपके पास जो डिनर्स सेट रहता है वो अगर आप यूज़ इसमें रख सकते हैं, तो इसमें इस तरह से नॉब्स भी दिए हैं, तो इसमें वो अटक जाता है प्लेट्स जो भी है। और यहाँ पर कटलरी रखने के लिए अलग से जगह दी है। और ये बेस्ट पार्ट इसलिए है क्योंकि ये फोल्डेबल है। और भी प्लास्टिक के बहुत सारे अवेलेबल है ऑप्शंस, लेकिन वो फोल्डेबल नहीं था। तो और इसको ड्रेनेज के लिए बहुत सारे होल्स भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने ये परचेस किया है और मैं इसे एक्चुअली यूज़ भी कर रही हूँ। बहुत ही स्टर्डी और अच्छा क्वालिटी का है। इसका मटेरियल फाइबर और प्लास्टिक में भी है, और बीच में जो है वो आई थिंक सिलिकॉन का रबर है, रबर टाइप कुछ मटेरियल है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मेरा अमेजोन पे स्टोर भी है तो आप उसके चेक कीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स सारे तो मैं उसमें लिंक कर दूँ ही दूंगी, लेकिन जो भी पहले वाले प्रोडक्ट्स थे मैंने परचेज किए हैं वो भी मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी, तो आप वो लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली फॉर द किचन रिलेटेड, दिस इज अ पिजन चॉपर। तो ये जब प्रोडक्ट आया था बहुत ही फेमस हुआ था, सबने इस पर रिव्यू भी दिया हुआ है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मैं एक्चुअली इसको यूज़ भी कर रही हूँ। बहुत ही हैंडी है और बहुत अच्छी तरह से वेजिटेबल्स, तो ऑनियंस कट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारा फाइन चॉप हो जाता है, लेकिन जब हम सलाद बनाते हैं तो बहुत सारे वेजिटेबल्स कट करने पड़ते हैं, और डेली बेसिस में हमने सलाद खाने का शुरू किया है, तो उसके लिए मैंने ये बहुत ही क्या बोलते हैं, आपका टाइम बहुत सेव करता है इस तरह से चॉपर से। बहुत अच्छा है और इतना स्मूथ है ना ये, और इसका ब्लेड है बहुत ही शार्प है। तो ये पिजन ब्रांड का है, और यहाँ पर नीचे भी इन्होंने रबर दिया है, तो ये अच्छे से ग्रिप करता है किसी भी सरफेस पर। अगर आप ये रखेंगे और इसको यूज़ करेंगे तो ये स्लिप नहीं होगा, तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत सारे यूज़ करती हूँ। सो अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अगेन किचन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये है फ्रिज कंटेनर्स। तो आपको यहाँ पर इस तरह से इन्होंने फ्लैप दिया हुआ रहता है, तो ये आप वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म दिया रहता है उसमें इंसर्ट करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट इज़ दिस इज़ एक्सपांडेबल, तो आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या इसमें जो सामान रहेगा उसके हिसाब से आप इसे एक्सपांड कर सकते हैं, नहीं तो ये इस तरह से लग जाता है। अब ये आता है सेट ऑफ 4 में, बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये मिला है। तो आप इसे
अलग जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज़ करूँगी, दो इसमें से यूज़ करूँगी फ्रिज में, और दो में मेरे जो कबर्ड है, मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाइज का जो कबर्ड है वहाँ पर मैं यूज़, और इसमें मेरे छोटे छोटे जो भी आइटम्स है या पेंट बॉटल्स है बहुत सारे इसमें आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई परचेस्ड दिस। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, व्हाट इज दिस? सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस स्प्राउट मेकर। तो ये मैंने पहली बार ही देखा अमेजोन पे, मैंने पहले कभी नहीं देखा था, तो इसका मैंने रिव्यूज़ भी देखा है और मैं इसको यूज़ भी करने लगी हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से वर्क करता है। तो बेसिकली आप इसे दो कंटेनर्स में भी मिल जाता है, मेरा ये फोर्थ कंटेनर वाला है, मतलब कि जो ऊपर के तीन कंटेनर्स होते हैं तो उसमें आप स्प्राउट्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्प्राउट, मतलब एक ही टाइम पर आप तीन टाइप के स्प्राउट्स इसमें बना सकते हैं। और नीचे वाला कंपार्टमेंट रहता है उसमें पानी डालना होता है। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल मेथड है वही प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर जो नॉब्स दिया है उसके हेल्प से उसको मॉइस्चर मिल रहता है, जो भी हम अब इसे स्प्राउट्स डालते हैं तो उसकी वजह से। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला कंटेनर है उसमें पानी डालना है, और जो भी स्प्राउट्स आपने बना लिए मूंग डाल के या मटकी के या कुछ भी, तो उसको आपको भिगो के रखना है पहले। तो भिगो के रखने के बाद इसको इसमें डाल देना है। अगर आप एक ही टाइप के बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें रख सकते हैं। और क्या करना है कि ये जो नॉब्स दिए हैं एक के ऊपर, अगर आप तीन टाइप के नॉब्स बनाने वाले, तो अगर आप इस साइड पर रख रहे हैं तो उसका ऊपर वाला जो कंटेनर होगा उसका अपोजिट साइड में नॉब होना चाहिए, और तीसरा वाला का उसके अपोजिट साइड पर नॉब होना चाहिए, ताकि उसको सभी को मॉइस्चर और उसका कंटेंट मिलता रहे इसलिए। और इसको लीड भी दिए हैं, तो आप इसे एज कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं। तो इसका मटेरियल है प्लास्टिक का है, लेकिन ये फूड ग्रेड का प्लास्टिक है ऐसा उन्होंने लिखा है। तो प्रोडक्ट तो अच्छा है, बहुत सारा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है रिसीव होता है तो उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल या कुछ भी नहीं है किस तरह से यूज़ करना है। तो मुझे यूट्यूब वीडियोस देखना पड़ा कि इसे किस तरह से एक्चुअली यूज़ करना है। तो किचन रिलेटेड तो प्रोडक्ट खत्म हो गए। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है होम डेकोर रिलेटेड। तो ये है आर्टिफिशियल मनी प्लांट। तो ये 7.5 फीट का है, और उसके दो तरह के ऐसे आते हैं। तो पीछे आप देख सकते हैं ये मैंने यूज़ किया है। तो इसे आप बहुत डेकोर पर्पज़ के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है बैकग्राउंड्स या वीडियो के बैकग्राउंड्स में वगैरह लग सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप लिविंग रूम या बेडरूम या कहीं पर भी इस तरह से कर्टन्स हुक्स पे इससे हैंग कर दे तो बहुत अच्छा दिखता है, और इसका क्वालिटी भी अच्छा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ये थोड़ा ओवर प्राइस लगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक उसके साथ ये दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, इस तरह से कुछ दिया था। नेक्स्ट प्रोडक्ट है होम डेकोर रिलेटेड, या बोल सकते हैं आप बहुत सारे जगह पर यूज़ कर सकते हैं, वो है एलईडी लाइट। तो एक्चुअली मैंने इसे यूज़ किया है इस लैम्प में, जो टिश्यू पेपर से मैंने लैम्प किया था उसमें मैंने यूज़ किया है, आपको दिखा दूँ। तो बेसिकली ये इस तरह से एलईडी कॉपर लाइट है, तो ये इसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इसका बैटरी ऑपरेटेड वर्जन था मेरे पास, लेकिन बैटरीज ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है और वो बार बार परचेस करना पड़ता है बैटरीज। तो मैंने ये परचेस किया है जो अभी मैंने ऑन किया है मेरे मोबाइल से, तो इसको मैंने मोबाइल पे कनेक्ट किया हुआ है। आपको इसको OTG कनेक्टर लगेगा, अगर आप मोबाइल पे नहीं कनेक्ट करना चाहते तो इसका USB वाला कॉर्ड है वो आप लैपटॉप पे या अगर चार्जर है उस पर लगा कर ये इस तरह से यूज़ कर सकते। मैंने ये परचेस किया है वॉर्म लाइट में, और इसका जो कॉपर वायर है वो वाइट कलर में है, और इसका लेंथ बहुत ही बड़ा है, मतलब ये 10 मीटर लेंथ का है इस तरह से, और इसको आप किसी भी एंगल में फोल्ड कर सकते हैं। तो किस तरह की भी शेप अगर आपको बनाना है या सर्कल में इस तरह से बनाना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो नॉर्मल LED लाइट्स जो मिलती है उससे अच्छा है ये, इसमें आप इन्वेस्ट करें, इसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। सो नेक्स्ट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जो आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाइज मैंने मंगवाए थे तो उसका भी मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ, शायद आपको वो हेल्पफुल लगे। तो सबसे पहले मैंने ये परचेस किया है एक्रेलिक कलर्स किया है, फ्लैश करके ब्रांड है, लेकिन इसका क्वालिटी अच्छा है, यूज़ करके देख सकते हैं, मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ बहुत दिनों से ये। और नेक्स्ट है कि ये है बड़ा वाला फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर, वाइट कलर। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि मैं बेसिक कलर प्राइमरी कलर यूज़ करती हूँ, उसमें वाइट या टोन या ब्लैक कलर ऐड करके मैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स बनाती हूँ। तो मुझे बहुत सारे पेंटिंग्स या कुछ DIYs करना है तो उसके लिए मुझे
मुझे पेंट लगता है और वाइट कलर मोस्टली ज़्यादा लगता है डिफरेंट कलर्स क्रिएट करने के लिए, तो इसीलिए मैंने ये बड़ा वाला बॉटल लिया है फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर। तो ये 500 ml में आता है और इसका प्राइस है 300। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल भी लगा। बहुत सारे जो आइटम्स थे तो वो पर्सनली मैं यूज़ करने वाली थी, तो वही मैंने ऑर्डर किया था, तो आपको भी वो शायद हेल्पफुल लगे। तो आपको इसमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा और किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट है या कोई भी प्रोडक्ट का, अगर आप कोई प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं या कौन से टाइप के हॉल्स आप देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, तो आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।